दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र कुमार है, आपका दोस्त। जैसे आप लोग जानते अच्छे तरीके से, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बचपन की खुशी। दोस्तों कभी आपने देखा है, अपने बचपन का फोटो देखिए, या हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। यदि कोई बच्चा है जो 2 दिन का है, 2 महीने का है, 10 दिन का है, 1 साल का है, उसको आप देखिए तो रियल में उनका चेहरा कैसा लगता है आपको। तो आप जब उसके टच में आते हैं, उसको देखते हैं, यदि आप इंसान हैं तो आप देखिए उसमें भगवान का रूप दिखाई पड़ता है, रियलिटी। यदि आप देखें उसको बचपन में, हम लोग की एक छोटी छोटी सी एक्टिविटी हमको बहुत खुश करती थी। जैसे महत्वपूर्ण हम बताएं, जैसे जब हम लोग बचपन में थे, देखते थे कि कोई छोटा सा मेढक कूद रहा होता है, तो हम लोग उसको देख के बहुत खुश होते थे, उछलते थे, इंजॉय करते थे, खूब मजा आता था। कहीं पे हम लोग जाते थे खेतों में या पार्क में या कहीं पे भी, तो वहां पे तितली बैठी होती थी, उस तितली को हम लोग छूते थे, वो उड़ती थी, उसको देख करके हम जो है बिल्कुल इंजॉय हो जाते थे, खुश हो जाते थे। माँ, जब सुबह हम जगते थे, हमारे चेहरों पे जो है, आंखों में जो है कुछ चीज लगा रहता था, वो आप लोग जानते हैं। माँ वो पानी से पोछती है आपके मुंह को, यदि ठंडक है तो उसमें आप पे ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। पानी को हल्का गर्म कर देती है, पानी को गर्म करके आपके चेहरे पे पानी लगाती है और अपने आंचल से वो साफ करती है, वो खुशी अब नहीं रही। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो अब नहीं रहा। माँ वही होती थी, डांटती थी, प्यार से खाना खिलाती थी, उसी भोजन को हम लोग करते थे और इंजॉय करते थे। दोस्तों ये खुशियाँ धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। बचपन की जो खुशी होती थी, गांव में छुपा छुपाई खेलते थे हम लोग, खूब मस्ती करते थे, इंजॉय करते थे, वो कहीं ना कहीं अब जो है गायब हो गई है। क्यों गायब हो रही है, उसका मेन कारण मैं बताऊं, उसमें कहीं ना कहीं जो लोगों की भागम भाग जो लाइफ बन गई है, आजकल देखा जाए मैक्सिमम लोगों से पूछिए कि कोई भी आपके रास्ते हैं, कोई भी सक्सेस के रास्ते, यदि हम उनसे बात करें, उनको मैं बताऊं, तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा आता है कि सर मैं बहुत व्यस्त हूँ, इतना बिजी हूँ कि मरने का फुर्सत नहीं है। और आप उनसे पूछिए रियल में कि आप कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं कि आपकी लाइफ सिक्योर हो रही है, आपके बच्चों की। आजकल देखा जाए, कोई भी, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति को आप अन्यथा ना लें, हम देखते हैं जब हमारा छोटा सा बच्चा होता है, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, तो उसमें आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, तब वो रोता है। तो पहले जब बच्चे रोते थे, उनको गोद में लेते थे, खिलाते थे, उनको चंदा मामा की कहानी सुनाते थे, चिड़ियों की कहानी, राजा की कहानी सुनाते थे। अब आजकल का क्या है, समय आ गया है, बच्चा रोता है उसको मोबाइल दे देते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो जो बच्चों खुशियां से समाप्त हो रही हैं, उनकी सिकुड़ जा रही हैं। 2 साल का बच्चा, लोग कहते हैं 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, जब मोबाइल पे कोई चीज बढ़िया खेलता है, गेम ओपन कर लेता है, तो आप लोग खुश होते हैं, अरे हमारे बच्चा तो मोबाइल में सब कुछ ओपन कर लेता है, गेम खेल लेता है, ये सभी चीजें। तो आप देखिए आप अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं, उनकी खुशियों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये आपको दोस्तों आजकल जाने की बहुत जरूरत है, जो हमारे बच्चों की खुशियां हैं वो कहाँ चली गई हैं, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। तो उनके खुशियों को हम अगेन ला सकते हैं, उनके बचपन को ला सकते हैं, उनके साथ आप वक्त बिताएं। क्योंकि आप देखिए, यदि आप दिन भर का कार्य, जितना भी आपके कार्य हैं, दिन भर की कार्य को आप नापिए, उसको मेजर करिए, उसको देखिए, तो आप देखेंगे कि दिन भर में आप बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिस जो आपके ना तो आपके खुशी के लिए है,
ना आपके बच्चों ना परिवार किसी खुशी में नहीं आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है कि आपके कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपके घर में खुशियां हैं। शायद आप देखेंगे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप लाइफ में एक्सक्यूज इतना दे रहे हैं, इतना एक्सक्यूज दे रहे हैं कि आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपका होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपके बच्चों की खुशियां कहीं ना कहीं आपकी इफेक्ट हो रही हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आज सोचने की बात है। बचपन की खुशियां कहीं ना कहीं गायब हो जा रही हैं। हमारी दादी होती थी, जब हम लोग रोते थे तो हमको गोद में लेके खिलाती थी। माता जी के लिए आजकल क्या है, ट्रेंड आ गया, बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। मतलब क्या है, उसको आप पॉइजन दे रहे हैं। और मैं बता दूं, वही आने वाले कल में क्या हो जाएगा, वो ही मोबाइल अप्सरा बन जाएगा। देखेंगे कि आपके घर में चार लोग पांच लोग मेहमान आ रहे हैं, जब उस समय आपके बच्चे से बात करेंगे तो आपका बच्चा कोने में मोबाइल लेकर के कुछ ना गेम खेला। तो आप क्या, बचपन की खुशियां जो बच्चों क्या कर रहे हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं। तो आज वो समय आ गया, हमको उसको क्या करना, समझना है हमको, उसको देखना है कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। हम बचपन की बात करें, बचपन भी कितना हसीन था, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम। हर एक पल को जो जी लिया करते थे हम, आजकल क्या है, नहीं है। बच्चा कोई काम कर रहा, एक क्यों कर रहे हो, हमेशा निगेटिव चीज बच्चों के अंदर आप निगेटिव बचपन से भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्यों, उसके अंदर वो इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो बचपन की खुशियां है ना, आप खुशियां अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों हम हो सकता है गलत भी हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग की हम लोग बात करें, जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं, जब वो घर से आते हैं, यदि उनका बच्चा कुछ भी बोलता है तो बहुत इरिटेट होके बोलते हैं। कभी आप ये नहीं होता है कि उसको गले से लगा लेते हैं, कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उससे आपके बच्चों का बचपन तो बर्बाद हो रहा है। जिनको खुशियाँ मिलनी चाहिए, खुशियाँ कहीं ना कहीं गायब हो रही हैं। और गायब कैसे होती, ये देखिए, पूरा ब्लैंक उनकी, आप जो है बचपन को ब्लैंक कर दे रहे, इतना ब्लैंक कर दे रहे हैं कि बच्चा सोच नहीं पाता कि वो क्या करे क्या ना करे। तो मजबूर हो करके वो ऐसी हरकतें करता है जो आपको आने वाले कल में वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। दोस्तों आपको सोचना है, आपको समझना है कि बचपन की खुशियां क्या हैं। आपके जो बच्चे हैं उनके साथ आप बैठिए, बातें करिए, मोबाइल से दूर रखिए। घर में आइए तो न्यूज को मत देखिए, पता चला कि बच्चा है उसके सामने आप न्यूज खोल दिए हैं, आप न्यूज देख रहे हैं और बच्चा आपका मोबाइल लेकर के कोने में बैठा। दोस्तों ये सभी चीज़ें बंद करिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ।